बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, शेयर लाजमी कीजिएगा, क्यों ना कि दूसरों को की भी मदद हो जाए। आपने किसी भी विंडो का इमेज बनाना है तो सबसे पहले आपने AltaISO का सॉफ्टवेयर को नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद आपने DVD रोम में विंडो की CD यानी DVD रोम में डालना है। CD को DVD रोम में डालना है। डालने के बाद आपने माई कंप्यूटर में आ जाना है। माई कंप्यूटर में ओपन करें, माई कंप्यूटर को ओपन करें, जहाँ पर लिखा है ये 64 और 86 बिट की विंडो है। ये W8 विंडो है, जहाँ पर आप राइट क्लिक करने के बाद आपने AltaISO पर आकर क्रिएट CD/DVD इमेज पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने जहाँ पर लिखना है Windows 8, Windows 8 लिखने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी विंडो का इमेज बनना शुरू हो जाएगा। यह देखें, ये फीसद 100% तक हो जाएंगे तकरीबन। ये आपके विंडो आपकी विंडो का इमेज मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह आप बाकी भी विंडो के आप इमेज बना सकते हैं। ये ग्रीन कलर की लाइन चल रही है। ये ग्रीन कलर की लाइन मुकम्मल हो जाएगी तो आपका इमेज मुकम्मल हो जाएगा। आपके इमेज मुकम्मल हो जाएगा ये ग्रीन लाइन मुकम्मल होने तक मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पर 100% आ जाएंगे तो आपका इमेज बन जाएगा। आप किसी भी ड्राइव में, आप जिस मर्जी ड्राइव में इमेज को रख सकते हैं। ऐसे इमेज बनेंगे। ऐसे ही इमेज बन जाएंगे विंडो के। ये आपका आपने पहले इमेज बनाए हुए हैं तो आपने AltaISO का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया तो आपकी इमेज ब्लैक शक्ल में नज़र आएंगे। ये आपने AltaISO का जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया तो आपके ऐसे रंगीन नज़र आएंगे। इसके बाद मैं इस वीडियो का अख्ताम करता हूँ। आपने ये लाइन मुकम्मल होने देनी है ग्रीन कलर में। मजा मुकम्मल हो जाएगी, जहाँ पर 100% हो जाएंगे तो आपका इमेज बन जाएगा। आप